घरेलू रसोई गैस सिलेंडर का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को यह जानने की सबसे ज्यादा उत्सुकता रहती है कि उसके खाते में सब्सिडी के कितने रुपए जमा हुए। कई ग्राहकों की शिकायत भी रहती है कि उनके खाते में सब्सिडी की राशि जमा नहीं हो पा रही है या किसी और खाते में जा रही है। इस समस्या का समाधान बहुत आसान है। सरकार ने व्यवस्था की है कि लोग घर बैठे अपने मोबाइल से पता लगा सकते हैं कि उनके खाते में सब्सिडी की रकम जमा हुई है या नहीं, और हाँ तो कितने रुपए जमा हुए। जानिए इसका तरीका। सबसे पहले myLPG.in वेबसाइट पर जाएं। यहाँ तीनों पेट्रोलियम कंपनियों HP, भारत और इंडेन के लोगों वाले टैब दिखाई देंगे। अपनी सिलेंडर की कंपनी पर क्लिक करें। नया पेज खुलेगा जिस पर बार मेन्यू में जाएं और अपना 17 अंकों का LPG ID दर्ज करें। यदि LPG ID पता नहीं है तो क्लिक हियर टू नो योर LPG ID पर क्लिक कर वहां बताए गए चरण पूरे कर इसका पता लगाया जा सकता है। यहां अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, LPG उपभोक्ता ID, राज्य का नाम, वितरक की जानकारी दर्ज करें। कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद प्रोसेस बटन पर क्लिक करें। जो नया पेज खुलेगा उस पर आपका LPG ID साफ दिखाई देना चाहिए। एक पॉपअप पर आपके खाते का विवरण दिखाई देखा। यहां बताया जाएगा कि आपका बैंक खाता और आधार आपके LPG खाते से लिंक हैं या नहीं। साथ ही यह जानकारी भी मिलेगी कि आपने सब्सिडी का विकल्प छोड़ दिया है या नहीं। पेज के बाईं ओर सिलेंडर बुकिंग हिस्ट्री, सब्सिडी ट्रांसफर देखे पर क्लिक करें। यहां आप सब्सिडी राशि देख पाएंगे। यहां पिछले महीनों में बुलाए गए सिलेंडर और उनके एवज में आपके खाते में जमा हुई सब्सिडी की राशि भी दिखाई देगी। इस तरह रसोई गैस सब्सिडी बैंक खाते में जमा हुई है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए परेशान होने या बैंक जाने की जरूरत नहीं है। इसे आप अपने मोबाइल से घर बैठे पता लगा सकते हैं। ध्यान रहे, एक बार लॉगिन की प्रोसेस पूरी करने के बाद अगली बार सब्सिडी का पता लगाना आसान हो जाता है। हरियाणा चेतना न्यूज की यह खबर जो आपको पसंद आएगी हो तो हरियाणा चेतना न्यूज चैनल ने आप सब्सक्राइब जरूर कर दियो, इस वीडियो ने लाइक करियो और खूब घनी सी शेयर करियो। राम राम।